बहू तुम मेरी बेटी की तरह हो। सुशीला जी सुबह उठती हैं और अपनी भाभी को रसोई में काम करते हुए देखकर भड़क जाती है। ये क्या है माँ, बहू के होते हुए तू रसोई में चाय बना रही है? अब तो बहू आ गई है, उसे उठा। हम तो ससुराल में 4 बजे जाते थे और तेरी बहू तो 5:30 बज गए हैं और अब तक सो रही है। अपनी बड़ी नंद की बात सुनकर सुशीला जी सल्ली से बोलती है, जीजी आप भाभी के साथ की चाय पी लीजिए, फिर बहू को केवल चाय बनाने के लिए जल्दी उठाऊं, ये तो सही नहीं। वो भी तो रात को देर से सोई थी, फिर इस उम्र की नींद भी गहरी आती है। अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, सो लेने दो, यही तो दिन है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो सो ही नहीं पाएगी। ये सुनकर सुशीला जी चिढ़ जाती हैं। अरे भाभी, तुम आते ही बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, ध्यान रखना ज्यादा भारी न पड़ जाए। हेमा जी कहती हैं, मैंने बहू को बेटी माना है, दिखावे के लिए नहीं कहा है, अपने मन से कहते हैं। सुशीला जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए चाय पी लेती हैं और अपनी माला जपने और पूजा में लग जाती हैं। 7 बजे करीब रश्मि उठकर आती है, बुआ जी प्रणाम आशीर्वाद दीजिए। अपनी बुआ सास की जरा भी फिक्र नहीं तुझे, अब उठी है तो कब नाश्ता बनाएगी? चाय पानी के काम में तो तेरी सास ने निपटा दिया, तू नाश्ता तो बना कर खिलाएगी या वो भी नहीं। सुशीला जी ने रश्मि को ताना दिया, बुआ जी आप जो कहेंगी वो बना दूंगी, बस आप बताइए आपको क्या खाना है। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तेरे हाथ की कचौड़ियाँ बनी है। ये सुनते ही रश्मि के हाथ पैर फूल गए और कचौड़ियाँ ढंग से बनानी नहीं आती थी। सुशीला जी ने हेमा जी को भी रसोई में जाने नहीं दिया। अंदर रसोई में रश्मि यूट्यूब से देखकर नाश्ता बनाने में जुट गई। काफी देर बाद हेमा जी किसी बहाने से रसोई में आए, उन्होंने मसाला चखा तो कचौरी के मसाले में नमक मिर्ची काफी तीखा हो गया था, शायद रश्मि के 2 बार डाल दिया था, और कचौरी काफी कड़क बनी थी, शायद रश्मि ने उसे मोयम डालना भूल गई थी। बाहर की दुकान की कचौड़ी का स्वाद तो सुशीला जी को पता था, अब ज्यादा समय भी नहीं था, सुशीला जी को भूख लग रही थी। हेमा जी ने अपनी सोसाइटी के फूड ग्रुप में मैसेज डाला, उसमें उन्होंने मैसेज में देखा कि सुबह के नाश्ते में कचौड़ी उपलब्ध है। ये मैसेज पढ़कर हेमा जी ने तुरंत ऑर्डर किया और डाइनिंग रूम की बालकनी से लाने को कहा, जो पड़ोस वाली के बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। उन्होंने डिलीवरी पोषण के यहाँ करने को कहा। 15 मिनट में कचौड़ी आ गई, इतने में रश्मि ने हलवा बना दिया। रश्मि ने फटाफट नाश्ता लगा दिया, उसकी बुआ सास को कचौड़ी बहुत पसंद आई और वो खा पी कर नीचे बाग में धूप में टहलने को चली गयी। ने अपनी सास को बहुत धन्यवाद किया, मम्मी जी आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना बुआ जी तो सब जगह मेरी जग हसाई करती देती। बहू तुम मेरी बेटी की तरह हो, आखिर मैं तुम्हारी जग हसाई कैसे होने देती? जीजी तो पूरे खानदान में ये बात फैला देती। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आज थोड़ा सा मसाला ज्यादा हो गया, मैंने कचौरी चखी तो पता लगा तो वो जीजी कभी नहीं खा पाएगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की कमियाँ ढकती है, बस वो ही फर्ज मैंने निभाया है, तुम्हारी कमी को छिपा दिया। बेकार की जग हसाई में ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं मिलता है, सब मैंने बहुत सहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी कर दी गई, मुझे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था, जरा सी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती या कच्ची रह जाती। मेरी सास पड़ोसियों को रोटी दिखाने जाती थी, हलवे में रंग नहीं आता तो हंसी का पात्र बना देती थी, सब्जी अच्छी नहीं बनती तो मुझे जलील किया जाता।
था। इन सब में कुछ ठीक नहीं होता था, बल्कि मुझे खाना बनाने में ही घबराहट सी होने लगती थी और अपनी सास के लिए मैं डरने लगती थी। समय बीतता मैंने अपनी सास की सेवा बहुत की, लेकिन उसका मन से मैं कभी इज्जत नहीं कर पाई। हेमा जी आंखें भिगोते हुए बोली, रश्मि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। जिस तरह से एक माँ बेटी के साथ रहती है, व्यवहार करती है, वैसे ही किया है। जिस बहू हमें माँ तभी मानेगी जब हम उसे पहले बेटी मानेंगे। केवल किसी भी तरह कपड़े पहनने की छूट देने से और नौकरी करने की आज्ञा देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती है। बहू को बेटी बनाने के लिए उसकी छोटी छोटी सी परेशानियों को उसे कहने से पहले ही सास समझ जाए और उसे सुलझा दे, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक माँ करती है। रश्मि अपने सास के गले लग गई और उसे लगा जैसे उसकी माँ का आंचल ही हो।